इस गांव का प्रॉपर नाम है कोई कि शाहबादी बोलते हैं? शाहबादी है। बंगला यहाँ क्या पंचायत होती है क्या? पंचायत के लिए का बना है। पंचायत बंगला बोलते हैं यहाँ पर। जो आगे बस है ये भी शाहबाद जा रही है शायद। भैया जी शाहबाद किधर पड़ेगा? क्या शाहबाद? शाहबाद ये सीधा ही है। ये शाहबाद ही है। यहाँ पे शहरी लोग किधर रहते हैं? यहाँ ये थाने के पास में। हाँ जी थाने के पास में। थाने के पास में। हाँ ठीक है भैया। नहीं नहीं मैं तो घूमने आता हूँ, उनका गांव देखने आया था। भाई कुछ लोग नहा रहे हैं यहाँ पे। बाकी भाई ये ही है शहरियाओं की बस्ती। मोस्टली यार ऐसे बोला जाता है कि ये लेबर वगैरह का काम करते हैं पहले, अब तो कुछ और करने लग गए बट ज़्यादातर लेबर का काम करते हैं। बेटा शहरिया बस्ती कहाँ पे? शहरिया बस्ती। शहरिया बस्ती आगे। शहरिया बस्ती कौन सी है? शहरिया बस्ती ये सारी है। अंदर जाने का रास्ता यहाँ से है। बाकी भाई आंटी जी बता रही है कि यहीं से ही है। बाकी ऐसा कुछ है इनका गांव। सब चौक गए। भैया शहरिया बस्ती किधर है? यही है सारी। और भी है कि इतना ही है? बाइक जाएगी चली जाएगी घूम के यहाँ से पैदल जाने का रास्ता है। कीचड़। अच्छा आप सहरिया ही हो? हाँ। तो भाई अपने साथ हैं सहरिया भाई लोग। आपका नाम? मेरा नाम अमर सिंह। मेरा नाम सोनू। सोनू हाँ। तो ये अभी हम सहरिया गांव में। हाँ ये छोटा सहराना, ये बड़ा सहराना है। बड़ा सहराना छोटा सहराना है। हाँ अच्छा पहले बड़ा गांव है। हाँ ये बड़ा है वो छोटा है। अच्छा घर अभी भी पुराने टाइप के है ना? अभी भी पुराने टाइप के है। सरकार की तरफ से आते ही नहीं है। नहीं आता देने वाले का दे तो नहीं देने नहीं तो नहीं देते। अच्छा तो यहाँ पे लोग काम हम क्या करते हैं मेन काम? बस यही है बेलदारी का काम करते हैं। बेलदारी बोले तो ये अपन मकान बनाते हैं ना। अच्छा तो यहाँ पे फावड़ा गैती चलाते हैं बस यही काम करते हैं। अच्छा 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 ना मतलब खाली मकान जहाँ बनता है उन्हीं में काम करते हैं। वो भी कुछ भी मेहनत लगती है वहीं पे चले जाते हैं सभी आदमी। मतलब जिसका भी कोई भी काम लगता है। अच्छा 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 ना तो आपको आपके पास क्या लोग आते हैं कि आप खुद जाते हो?
नहीं वो वैसे तो वो ही आते हैं हमारे पास में काम के पास आते हैं काम के लिए। मैं तो क्या है? बस यही काम है हमारे पास में। अच्छा 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 तो काम के लिए क्या आप दूर दूर जाते हो कि यहीं पे पास पास है? नहीं दूर भी चले जाते हैं, जयपुर भी काम करने के लिए चल जाते हैं, बिजली के विभाग में काम करने के लिए चले गए। तो क्या टाइम पे आ गया। तो भाई ऐसा है गांव। आप क्या स्कूल वूल जा रहे हो कि ऐसी? स्कूल तो खैर वो हम जाते थे। नहीं जाते अब? नहीं जाते अब? नहीं जाते। ये स्कूल ही है ना इधर? हाँ ये वो रहा स्कूल बड़ा है एक और है वहाँ पे। मैंने देखा था कुछ सहरिया का हॉस्टल है, स्कूल था क्या था छात्रावास? हाँ वो स्कूल था। हाँ वो बड़ा स्कूल था। बड़ा स्कूल था ये शाहबादी पढ़ता ना ये सारा? हाँ शाहबादी में पढ़ता है ये छोटा सहराना। छोटा सहराना दो होते हैं, बड़ा सहराना छोटा सहराना। अरे अपन क्या है अपन किसी भी भाई में अपन अब जैसे कोटा जाएंगे। हाँ जी है ना तो अपन नागरिक है बोलते हैं कि ये नागरिक का वो नाम है। अच्छा 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 हाँ जो ऐसे ही अपन इसको छोटा बड़ा सहराना बोलते हैं। अच्छा 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 हाँ क्या हाल है बेटा? तो जैसे अभी तो काम वाम तो मिलता नहीं होगा? बरसात में आते कुछ नहीं, नहीं। कब ज़्यादा मिलता? वो तो ये पानी खुल जाता है बहुत टाइम पानी देती है। अच्छा इस गांव का प्रॉपर नाम है कोई कि शाहबादी बोलते हैं? शाहबादी शाहबादी है। बंगला यहाँ क्या पंचायत होती है क्या? पंचायत के लिए का बनाया है। पंचायत बंगला बोलते हैं यहाँ पे। बिजली क्या आती है? बिजली घंटे 24 घंटा आती है यहाँ पे। तो बिजली का क्या गवर्नमेंट माफ है कि देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता है देना। हाँ, अभी क्या ये मीटर लग रहा है ना? हाँ, महीने का महीने बिल आता है। अच्छा हाँ, वो तो जिसके पास में है वो दे रहा है, जिसके पास में नहीं पैसे नहीं है। हाँ, नहीं देता हो माफ हो जाता होगा? नहीं माफ तो क्या नहीं होता कि बिजली काट देते हैं। बिजली काट देते बस यही दिक्कत है। अच्छा अभी क्या ये कोई मेन रोजगार नहीं चल रहा। हाँ हाँ वो चक्कर में जिसके पास पैसा हो जी जी काम कर रहा है उसके पास में पैसा वो दे। तो भाई एक और करेंगे। यहाँ कोई रहता नहीं है अभी? टूटे हुए। अच्छा टूट गए। तो भाई ये घर है थोड़ा टूटा हुआ, कुछ इस तरह घर होते पत्थर हो गए। नमस्ते जी। तो भाई ये है स्कूल। आज यहाँ पे हुई थी 15 अगस्त वाली हुई थी? हर साल ये सरकारी है हमारे है। तो आपको तो सही है पास में स्कूल है पास में घर है। अभी तो बंद होगा सारा? बंद हो गया। अच्छा तो बड़े भाई बहन अभी क्या करते हैं? नहीं अभी तो क्या है सब ने किसी ने 12वीं पास कर ली, कोई ने बीए पास कर ली, लेकिन अच्छा 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 खाना वाना भी देते हैं? खाना देते हैं ना देते हैं। अब तो क्या है बच्चे पर देते हैं ये रहते हुए ये क्या है ये वाली बच्चों का खाना बनता बच्चों का अंडे वंडे देते होंगे वो मिलने ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि दाल। अच्छा तो भाई ये है खाने के लिए सोमवार
सब्जी रोटी दाल चावल रोटी दाल खिचड़ी रोटी दाल रोटी सब्जी सप्ताह में एक दिन मौसमी फलों का वितरण। तो यहाँ पे शादियाँ वगैरह कैसे होती है, मतलब जैसे किसी गांव के शहरिया है वो इसी गांव में शादी करते हैं कि वहाँ पे करते हैं, मतलब शहरिया की शहरिया से मतलब पूरे राजस्थान में कहीं भी हो। तो भाई ऐसा है कुछ गांव, यहाँ पे कितने अभी लोग रहते हैं तकरीबन लाख मतलब शहरिया लोग कितने हैं यहाँ पे है। हम क्या ये गणेश महाराज गणेश जी महाराज रखते हैं ना, हाँ वो टाइम पर क्या उगाई करते हैं ना, पैसा उगाते हैं ना अपन चंदा मानते हैं आप लोग, हाँ मतलब पूजा के लिए। हाँ पूजा के लिए अच्छा तो क्या है हम उगाई करते हैं हमें पता। अच्छा 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 दोनों चेहरा नहीं पर। तो ये चंदा होता है आप सिर्फ सहराइयों के पास जाते हो कि पूरे किसी भी गाँव में किसी के पास शहरी है। और ये पूजा कब होती है ये चंदा वाली? ये पूजा अब होगी, अब आ रहा है, अब आ रहा है आने वाला है। गणेश चतुर्थी कह रहे थे उस टाइम, उसी टाइम पूजा होती है। तो आपका मेन पर्व वही है गणेश का। आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए बहुत ही गणित चीज़ है, आप आपको मंदिर पे भी जाना नगरकोट वाली वाली नगरकोट का मंदिर। हाँ अच्छा माता जी का वहाँ पर जाना, बहुत बढ़िया एक काम बन रहा है। अच्छा सभी लोग बाग ये गाँव के सभी बहुत ही खोजते वहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए। मतलब रोज़ जाते हैं कैसे कभी नहीं, वैसे जाने वाले रोज़ की जाते हैं। अच्छा अच्छा और वो टाइम जब गर्मी पड़ती है ना वो टाइम क्या है यहाँ पे एक मेला भी लगता है बहुत। अच्छा अच्छा झूले वूले है सब। तो ये बस्ती जो है ये कब से बसी पड़ी है, मतलब बहुत पुरानी है कि अभी तो कुछ तो बहुत तो पुरानी है बहुत सालों पहले, पहले पूरा जंगल हुआ होता होगा। पूरा जंगल था पहले, पहले क्या है यहाँ के आदमी का आदमी है बहुत पुराने आदमी ना, उनके पास में क्या खाने के लिए नहीं था, पुराने आदमी के लिए चलाए थे कमा के रोटी रोटी खाया करते थे। अच्छा अच्छा हाँ चले ये वगैरह इनका कुछ कुछ पता नहीं है क्या क्या खाते करते थे, ये तो क्या अभी मिलता है खाने के लिए। अच्छा अच्छा सारे लोग वैसे जंगलों के ही है ना, जंगलों में रहते थे। हाँ गाँव है ना दोनों, बड़ा बड़ा शहर या छोटा शहर बता रहे हैं ना। नहीं वैसा तो बड़ा शहर ही है, वो सब एक ही समान। अच्छा नहीं इस जगह में इस बस्ती में कितने लोग होंगे तकरीबन इसमें ज़्यादा लोग 70 आदमी होंगे बस 70 आदमी। बहुत लंबा थोड़ा सहराना, जैसे आपने एक सहराना बताया ये थोड़ा नया था, जैसे बंगला ये होता है जहाँ पे बैठक होती है, तो ये बंगला हर गांव में होता है। हाँ हर गांव में मिलेगा ये बंगला। तो यहाँ पे करते क्या है बैठ के? जैसे अरे यहाँ पे क्या है, जैसे कि अब किसी में लड़ाई होगी किसी ने किसी से कुछ कह दिया तो पांच आदमी उसका न्याय करता है। पांच आदमी, और वो पांच आदमी कौन होते हैं? पटेल बोले तो अरे गांव का मुखिया, गांव का मुखिया पटेल बोलते हैं। अच्छा अच्छा यानी पाँच पाँच गाँव के मुखिया आते हैं यहाँ पे, वो न्याय करते हैं। तो न्याय मतलब क्या, सजा वजा देते हैं? नहीं सजा देते हैं ना। अच्छा गांव से क्या है उसे बाहर फेंक देते हैं। अच्छा गाँव से क्या है, अब ये पंप लग रहा है ना कौन सा? पैसे पानी भी नहीं बनने देते। अच्छा 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 पानी नहीं पीने देते। हाँ उसे क्या है, अब एक साल की बोलती ना तो एक साल तक कोई आदमी उसके साथ में बैठेगा नहीं बोलेगा। अच्छा 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 तो मुखिया गाँव द्वारा चुना जाता है, गाँव के लोग चुनते हैं। ढलान उस तरफ होगी ना सारी? हाँ उधर ही जा रहा है। तो भाई कुछ ऐसा कर रहे हैं तो क्या ये यहाँ पे अभी क्या पशु रखते हो क्या रखते हो खाली, जैसे पुराने मकानों में कि लोग भी रहते हैं आदमी भी रहते हैं तो दिक्कत नहीं होती पशुओं के साथ आदमियों की? कोई दिक्कत नहीं हो तो रखने पड़ते हैं। अच्छा अभी बारिश की वजह से रखते हैं? बारिश की वजह से। तो भाई कुछ ऐसा करें
तो सरकार वगैरह कुछ करती है मदद? मदद तो कर दिया, अभी तक हमने तो मकान ही नहीं आए। एक बार देने वाले कहाँ दे दे ना, तो जिनका आ गया। हाँ हाँ, नंबर नंबर लगता है क्या ऐसा कुछ होता है? नंबर तो नहीं लगता है, नाम आते हैं तो पता नहीं कोई कटवा देते हैं या कुछ हो जाता है, तो बहुत से लोगों के तो आते ही नहीं है हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका नाम जो आ जाता है वो वैसा तो गांव पूरे गांव का लिस्ट में नाम हो जाता है, लेकिन वो क्या है या तो काट देते हैं, काट देते हैं तो दूसरी जगह भेज देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जान पहचान होगी जिसके ज़्यादा था। हाँ, हमारी इतनी जान पहचान नहीं है, बोल देते हैं तुम्हारा तो नाम ही नहीं है लिस्ट में। वही तो हम जाते हैं देख नहीं देंगे क्या करिए, वो तो बोल देते हैं। और भैया आप लोगों के कोई अलग से भगवान भी होते हैं जैसे कि आप मतलब इस भगवान की पूजा करते हो, ऐसा कुछ होता है? ऐसा तो कुछ नहीं होता, भगवान तो सभी एक जैसे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं जैसे कईयों का कुल देवता होते हैं, कईयों के क्या क्या होते हैं? होते हैं ना मुस्लिम के अलग अलग। हाँ हाँ, भगवान तो एक ही है हमारे। अच्छा, सभी अपन मानते हैं ना भगवानों को, वही भगवान है। अच्छा वही है, ठीक है भैया। बारिश गलत टाइम हो गई। मैं तो पता करते 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 आए यहाँ पे। एक बार बारन में गया था, उन्होंने किसी ने बताया था कि यहाँ पे मिलेंगे सारे लोग, वहाँ रहते हैं ज़्यादा। हाँ, बारिश का तो भरोसा नहीं है। बारिश भी बंद हो राजस्थान का लोग सुनते हैं ना तो लोगों के दिमाग में होता है कि बारिश नहीं होती वहाँ, पानी नहीं है। वो नहीं, बारिश बहुत होती है। बहुत होते हैं ना इस तरह? बहुत होती है बारिश। तो भाई ये थे अपने सहरिया भाई, काफ़ी यार हम्बल नेचर के थे। मुझे तो लगा कि शायद बता देंगे मुझे गांव गांव से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, खुद ही मुझे ले गए गांव में, पूरा बताया। और कुछ कुछ लोगों के घर अच्छे हैं जिनके पास अच्छा पैसा आ गया है, बट जिन लोगों के पास पैसा नहीं आया उनके घर अभी भी पुराने जैसे ही है। बाकी मेरा नेक्स्ट प्लान है, मुझे जोधपुर साइड जाने का प्लान है। पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं उदयपुर जाऊंगा, यहाँ पे ये थाना है, शाहबाद थाना। पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं उदयपुर तक की तरफ जाऊंगा, बट अभी प्लान में थोड़ा चेंज है। भैया नदी है क्या ये? नदी का नाम क्या है? इसका नाम तो वैसे कुछ भी नहीं है, हम तो छोटा बंदा कहते हैं इसे। छोटा बंदा, ये पानी अभी बारिश में आता है कि हमेशा आता है? नहीं, चलता रहता है पानी हमेशा। हाँ, गर्मी में एक महीने के लिए बंद रहता है, बाकी सर्दी वर्दी में आता रहता है। ये पानी आता कहाँ से है? पहाड़ों में से आता, कुओं में से। यही पहाड़ों में से? अलग अलग है, ये इधर से आ रहा है, ये पहाड़ी से अपना हाईवे क्रॉस करते हुए उस तरफ पहाड़। हाँ, उधर से आता है कुंडा को, से सीधा निकलता है, इधर टच होता है। अच्छा अच्छा, सामने वाली पहाड़ी से भी आता है कुओं में से। अच्छा अच्छा, यहाँ से। तो लोग बाग यहीं नहाने वाने आते होंगे सारे। सच में यार बहुत प्यारी जगह है ये शाहबाद। ये ऊपर पहाड़ से पानी आ रहा है सारा।
बाकी भाई जो सहरिया है वो बना है मतलब सहर वर्ड से, जिसका मतलब होता है जंगल। और मोस्टली आपको बारन में दिखेंगे, बारन में जो साहबाद है वहाँ गांव में, और किशनगंज में भी सुना है मैंने, वहाँ भी कुछ सहरिया भाई लोग हैं अपने। बाकी अभी भी जो उनके गांव देखोगे उनसे पता चला है कि ये भी काफ़ी पुराने तरीके से ये लोग रहते हैं अभी भी, मतलब कि घर बहुत पुराने, कल्चर बहुत पुराना है इनका। और जो 5 गांव की पंचायत होती है उसको बोलते हैं पंचताई, 11 गांव की जो पंचायत होती है उसको बोलते हैं एकदसिया, और 84 गांव की जो पंचायत होती है उसको बोलते हैं चौरासिया। अभी जो भाई थे सोनू भाई, उन्होंने बताया था कि जब भी कोई गाँव में कोई दिक्कत हो जाती है तो जैसे कोई छोटा मामला होता है तो ये सारे गांव के लोग मिलके उसको सुलझा लेते हैं, जैसे सुलझा लेते हैं मतलब जैसे पनिशमेंट दे देते हैं कि तुम इस नल से पानी नहीं भर सकते और तुमसे कोई एक साल के लिए बात नहीं करेगा। बाकी ये जो मेन इनके भगवान होते हैं, वैसे तो ये सारे भगवानों को मानते हैं, बट जो मेन इनके भगवान है वो है वाल्मीकि भगवान, मतलब वाल्मीकि को ज़्यादा मानते हैं, और ये ऐसा मानते हैं कि ये लोग वाल्मीकि के ही मतलब वंशज है। और ऐसा माना जाता है कि जो शहरिया है ये वाल्मीकि इनके फाउंडर है। बाकी और भगवान की तरह इनके खुद के जो पर्सनल भगवान है वो है कोड़िया माता, तेजा जी महाराज, और ये लोग एक शहरिया लोग एक गाना गाते हैं इसको बोलते हैं हीड। और इनके यहाँ पे मतलब जैसे हमारे हरियाणा साइड भी लठमार होली होती है, इनके यहाँ भी लठमार होली खेली जाती है। और इनकी एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये लोग ना मतलब दहेज नहीं लेते, दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ है, और यहाँ पे कपल डांस नहीं होता है, और वुमेन टैटू भी बनाती है। और इनके यहाँ पे ऐसा होता है कि आदमी लोग टैटू नहीं बना सकते बट औरतें टैटू बना सकती है, और जो औरतें होती है वो घूंघट रखती है, मतलब घरों में घूंघट रखती है और बाहर घूंघट नहीं रखती। इसके पीछे वजह यह है कि ये लोग लेबर होते हैं, तो मान लो अगर बाहर किसी को काम वाम करने जाना होगा तो घूंघट रखने से बहुत दिक्कत होती है, इसलिए घूंघट नहीं रखते बाहर। और जो मतलब किसी की मृत्यु हो जाने के बाद एक इनकी प्रथा होती है, इसको बोलते हैं धारी संस्कार। और इनका मेन पेशा लेबर ही है, मतलब इवन मैंने जो रास्ते में मैंने लोगों ने मुझे बताया था कि शहरिया लोगों का काम मेन लेबर का काम है, जैसे आसपास के बड़े बड़े शहरों में लोग आते हैं लेबर वेबर का काम करते हैं वहाँ पे, तो इनका जो मेन पे इनका जो मेन पेशा है वो है लेबर वगैरह काम। जैसे अभी आपने भाई ने बताया था कि लोग आते हैं इनके पास, ये खुद भी जाते हैं काम लेने के लिए। तो ये थे अपने शहरिया भाई, काफ़ी हम्बल लोग हैं यार, मुझे लगा नहीं था कि इतने मतलब हम्बल होंगे ये। नेक्स्ट अपने को जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है कुछ प्लान बन नहीं रहा ढंग से, लेकिन यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा यार मुझे सच में। नेक्स्ट अपने को जाना है जोधपुर साइड, जहाँ तक भी पहुँच सकेंगे आज पहुँचेंगे, देन स्टे करेंगे कहीं पे एंड देन निकल पड़ेंगे अगली जगह।